धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि और भाई साहब। आज मैं हूं पंजाब में बठिंडा में और आपको दिखाने लाया हूं यहां का एक बहुत ही बढ़िया ब्रंच ब्रेकफास्ट लंच। और इसमें इतना क्या स्पेशल है, इतना क्या खास है भाई, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं यहां पे, वो कॉम्बिनेशन सुन के और चख के और देख के आपके मुँह में पानी आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इत्मीनान से मज़े से पीछे होके बैठ जाओ और वीडियो को इंजॉय करो। अभी आपको मिलता हूँ स्वाद वटांदरे के साथ, फिर आप जा सकते हो भाई। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है जी काले छोले। और हरप्रीत सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, कैसे हैं सर? ठीक है सर जी। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हाँ जी। और सर, ये काले छोले नान के साथ ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? जी सर, हफ्ते में दो दिन बनते हैं काले छोले, बाकी होते हैं वाइट छोले। अच्छा जी। तो रोज वाइट खाते हैं तो ग्राहक की डिमांड से हम काले भी बनाते हैं, काले भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी जी, बेसिकली जो ग्राहक हैं आपके, वो डिमांड करते हैं कुछ नया रोज मिले। यस सर। तो उसकी वजह से आपने ये काले छोले जो हैं बना के रखे हुए हैं। सर थोड़ा सा ये ही दिखा देते हैं, ये देखो, ये इधर जा रहे हैं काले छोले, आपको दिखाते हैं गाढ़ापन। देखो सर एक बार इसमें ना थोड़ी करछी उठा के दिखाइए। ओ भाई क्या बात। और पीतल का ये बर्तन है ना? हाँ जी सर। पीतल के बर्तन के अंदर खड़े मसालों वाले छोले, और भाई बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रिपरेशन है। ये रोमा इज मैजिकल, पूरा खड़े मसालों वाला। और हरप्रीत जी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और इसके साथ क्या रहता है सर? कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा, आओ जी आपको कढ़ी पकौड़ा दिखाते हैं। इधर देखो, हरप्रीत जी ने पूरा तामझाम जो है सेट किया हुआ है। और कढ़ी पकौड़ा, अभी तो भाई ब्रेड्स की तरफ जब आपको लेके जाऊंगा ना, आपके मुंह में पानी आने वाला है। ये देखो, ये है जी खड़े मसालों वाली कढ़ी। इसमें है जी ये बड़े बड़े तेज पत्ते, बड़े तेज हो रहे हैं सर आजकल, है ना? हाँ जी सर, तेज पत्ता, सारे खड़े मसाले सर। अच्छा जी। और सर ये कितने घंटे पकती है? ये पकती है जी कटो कटो 3 घंटे। 3 घंटे? हाँ जी। क्या बात है। और सर ये पकौड़ा निकाल के दिखाइए जरा एक। ये देखो भाई, ये बढ़िया पकौड़े हैं साथ में, और गाड़ी गाड़ी पंजाब वाली कढ़ी है। और सर एक चीज़ बताइए, इसका प्राइस क्या है जो नान और छोले हैं? सर कढ़ी पकौड़ा जी, छोले साथ में रहता जी, दो नान जी 70 रुपए प्लेट जी। 70 रुपए में दो नान और कढ़ी और छोले और रायता। और सर कढ़ी और छोले रायता ये सब कितना मर्जी ले सकते? जितना मर्जी लो जी। क्या बात है भाई, पंजाब में आपको कोई भी लिमिट नहीं लगाएगा, आप जितना मर्जी खाओ। यहाँ पे बस आ जाओ, प्यार से बात करो, और यहाँ पे फिर देखो आप कैसे आपकी हॉस्पिटैलिटी होती है। और सर एक बार वो दिखाएंगे ब्रेड जरा कैसी होती है अपने यहाँ पे, नान वगैरह कैसे? सर उस्ताद जी जो हैं हमें दिखाने वाले यहाँ की ब्रेड। सर ये कौन सा वाला है? नान है। अच्छा, ये बेसिक आलू वाला नान है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर ये देखो आलू की स्टफिंग हो गई, और ये जो पेड़ा है इसकी चोटी काट दी ऊपर से, और ये ऐसे लगा दी। और एक वो जो है ना अपना बेसन वाला, वो दिखाइए सर। वो चीज एकदम स्पेशल है, मैंने देखी नहीं है कहीं पे कि बेसन वाला यहाँ पे नान मिलता है, मिस्सा नान मिलता है। देखो बेसन वाला आटा आया, ये ऊपर से मैदा डाला जी, थोड़ा सा सूखा मैदा। और अब इसके बाद आलू, ये आए जी आलू। अच्छा, बेसन वाले आटे में ये आए आलू। वाह क्या बात है। और इसकी भी चोटी जो है अंदर ही मोड़ दी है। और ये देखो अब साथ ये करारा नान रेडी, और ये जाएगा जी सीधा कस्टमर्स के पास। वाह, जो मिस्सा वाला है वो भी जाएगा जी अभी, और जो बेसिक वाला है वो भी जाएगा। और इसके अलावा क्या होता है सर अपना? सर मिस्सी रोटी भी होती है जी, सिंपल रोटी भी होती है जी, प्याज वाली भी होती है जी, लच्छा परोठा हो गया, और बटर नान हो गया जी, बटर नान भी लगते हैं। क्या बात है, बटर नान भी होता है जी। ये देखो ये तंदूर के अंदर गए, और अभी जब बाहर आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि क्या इसकी रौनक है। और हरप्रीत जी, जब तक ये बाहर आ रहे हैं आप प्लेट लगवा देंगे? हाँ जी सर। आप खुद ही लगाइए, मज़ा आ जाएगा सर। ये स्टैंडर्ड प्लेट है जी, आपको पंजाब में हर जगह यही मिलेगी, कटोरियों वाली प्लेट। इसके अंदर सबसे पहले आ गई जी ये कढ़ी, और साथ में पकौड़े ज़बरदस्त। इसके अलावा ये आ गया जी सलाद, इसमें प्याज है आपके पास, और ये है जी रायता। और रायता यहाँ पे रायते जैसा, लस्सी जैसा नहीं है भाई। और इसके साथ ही आया जी अचार, तली हुई मिर्ची। तली हुई मिर्ची, अरे वाह, ये तो बॉम्बे याद दिला दिया सर आपने। और ये देखो, ये आ गए जी आपके काले छोले। और ये काले छोले जो है ना, मेरे तो भाई फेवरेट, अगर आपके भी फेवरेट है तो कमेंट करके बताओ। ये हेल्दी भी होते हैं, और इसमें दम भी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल है खड़े मसालों की वजह से। और उधर उस्ताद जी के पास चलते हैं, आइए हरप्रीत जी। और अभी आने वाला है ये आ गया जी मिस्सा नान। और मिस्से नान के ऊपर उस्ताद जी वो करके दिखाइए जो आप इश्क मोहब्बत कर रहे थे। करोड़ों
आप आलू वाले पे कर दीजिए, आलू वाले पे मजा आएगा। ये देखो जी, ये प्यार मोहब्बत उस्ताद जी जो है ये कर रहे हैं, अच्छे से भरी प्यार मोहब्बत पंजाब की। ओ भाई क्या बात है, ये प्लेट बन के तैयार है। और सर आप कह रहे थे कुछ, वो जो 70 रुपए वाली बात थी वो सही बात है? जमा सही बात है जी, 100%। मतलब 70 रुपए में 2 नान ले लो, छोले सब्जियां जितना मर्जी जो बना होगा सब फ्री है सर। और सब्जियां कौन कौन सी रहती है सर अपने पास? सब्जी सर मंगल शनिवार को तो कड़ी रहती है जी, तो और मंगल शनिवार को काले छोले होते हैं जी, बाकी दिन व्हाइट होते हैं जी, छोले पनीर होते हैं जी, किसी टाइम पालक पनीर होता है और मटर पनीर होता है। पालक पनीर भी देते हैं आप 70 रुपए में? 70 रुपए में जी। वाह जी वाह, शाही पनीर भी होता है? शाही पनीर भी बनता है जी जी, रोज अलग अलग सब्जी होगी। क्या बात है हरप्रीत, दाल मखनी बनती है, सब कुछ बनता है। मतलब 70 रुपए आप एक बार जेब में डाल के ले आओ, उसके बाद आप हमारे मेहमान हो, जितना मर्जी खाओ। यस सर, क्या बात है। अच्छा किसी को अगर यहाँ पे आना हो तो एक बार टाइमिंग बता दीजिए। टाइम जी सवेरे 9:30 तो लेके जी रात को 9 बजे तक। और लोकेशन सर? लोकेशन सर मरीक सिंह रोड जी, बठिंडा जी, उड़ांग सिलमे के नजदीक। बहुत बढ़िया। और एक चीज मुझे और बताइए सर, आपका यहाँ पे फेवरेट कौन सा है, सबसे मनपसंद? मेरे मनपसंद लच्छा पराठा जी, और चाहे तो सारी सर। अच्छा जी, है तो सारी है, सारी अपने फेवरेट है। हाँ जी, और दाल भी बनती है? हाँ जी, दाल मखनी भी होती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलो हम ये इंजॉय करते हैं सर आराम से, और इसका जो स्वाद है हम आपको बताते हैं इन 3, 2, 1। ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ये मिस्सा नान, इस पर मेरी नज़र है भाई। ये है जी रेगुलर नान, मैदे वाला, आलू वाला, और इधर पीछे छिपा हुआ है जी प्याज और फ्राइड मिर्ची और साथ में अचार। ये है जी कढ़ी पकौड़ा। और भाई आपको पता है कि आपका अपना हरिया जहाँ जाता है कढ़ी तो उसका पीछा नहीं छोड़ती है ना। ये आ गए जी साथ में, ये रायता और छोले थोड़े मिक्स हो गए क्योंकि हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम थी, तो हमने प्लेट्स उठाई उसमें ये थोड़ी दिक्कत आ गई, बट जो फ्लेवर है भाई वो बरकरार है। ये काले छोले, इसमें थोड़े से सफ़ेद छोले, साथ में पनीर है, और इधर है जी ये रायता। और अब मैं ये पाप नहीं करूँगा कि रायते में ये चम्मच डालूँ, तो भाई बाइट बनाते आ जाओ। मेरी नज़र तो इस पर है, सबसे पहले तो ये मक्खन जो है इसको लैंड करा देते हैं इधर, और ये लेते हैं जी एक बाइट इधर से। भाई ये बड़ी सी बाइट एक निकालते हैं, ठीक है जी, ये देखो बाइट। और इसके अंदर ना थोड़ी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्का सा ये अचार रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद छोले भी ना लैंड ही कराते हैं इस पे, क्योंकि हमें दिक्कत क्या आएगी कि कढ़ी नहीं डिप करी जाएगी। तो ये आ गए जी छोले, और इधर आओ जी कढ़ी भी आपको ये लगा के दिखाते हैं। भाई छोले और कढ़ी इकट्ठे, क्या बात है। हियर्स अ बाइट, मैसिव मैसिव बाइट, हियर्स अ बाइट। भाई छोले नेक्स्ट लेवल। ओहो, यहाँ पे आओ ना, कोशिश करना मंगलवार या शनिवार को आओ, सैटरडे या ट्यूसडे। भाई काले छोले सिरेल आ गए, बहुत स्वाद, बहुत ज़्यादा स्वाद। एक्साइटमेंट में ना मैं सारा कुछ इकट्ठा खा गया, बट जो मज़ा एक एक सब्जी का आ रहा है ना भाई, क्योंकि कढ़ी ना आराम से मज़े से बनाई हुई कढ़ी है, और साथ में जो मिस्सी रोटी है ना भाई, मिस्सी रोटी का जो आटा है वो बेसन वाला आटा है, अंदर स्टफिंग है, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं खाया कभी। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का नाश्ता है। अगर आप ये ऑलरेडी खा चुके हो या आप बठिंडा से हो तो भाई कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। अगर आपने नहीं खाया तो कमेंट करके ये बताओ कि कब आ रहे हो और कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहन साडी हरियाणा, तो जौंदा आजाद वासा रे साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो अबाउट गजब नाश्ता, तो भाई ये देखो।